वेलकम बैक। अब बनाने जा रहे हैं वो पास्ता जो कि अराबियता सॉस के साथ बनाने जा रहे हैं, और उसके लिए मैंने जो वो पास्ता है उसे बॉईल कर लिया है। बॉईल करने का जो प्रोसेस है वो बॉइलिंग वाटर के अंदर थोड़ा सा नमक और थोड़ा तेल डाल के पार बॉईल करें, करीब 90% इसे बॉईल करें। सबसे पहले लेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट बटर, के साथ डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये मेल्ट होता है तब तक हम कर लेते हैं थोड़ी सी कटिंग। लेंगे थोड़ा सा चॉप लहसुन, लहसुन जो है थोड़ा बारीक करेंगे, और लहसुन के लिए आपको मैं बताऊं, यदि आप इसे रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल खाना बनाना चाहते हैं घर में, तो लहसुन और सॉफ्ट बटर इसको मिक्स कर लें और फिर चॉपिंग करें, तो आप रेगुलर बेसिस पे आप इसको फ्रिज में रख दीजिए रोल बना के सिल्वर फॉइल में, और उसकी एक स्लाइस काट के आप यूज़ करें। बटर के साथ में लहसुन जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और वो हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं और एक ही टाइम में बना के रख सकते हैं। करेंगे चॉप अनियन, चॉप अनियन करने के लिए मैंने पिछला हिस्सा नहीं काटा है जिससे बंधा रहता है प्याज। लेंगे चॉप गार्लिक, गार्लिक बटर के साथ में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेंगे चॉप अनियंस, साथ में लेंगे स्लाइस मशरूम, डालेंगे मशरूम, इसमें डालेंगे डायमंड शेप में पेपर्स, देखें कितना अच्छा डायमंड शेप है, बिल्कुल डायमंड की शेप में मैंने पेपर को काटा है। और इनको अच्छे से सौते करेंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा बेजिल लीव्स। बेजिल लीव्स जो है हॉली लीव्स, तुलसा जी जो होती है उसी तरीके का एक हर्ब है, क्योंकि इटालियन खाने में बहुत यूज़ होता है, लेकिन मेरे पास में ये जो लीव्स हैं वो ड्राई है। थोड़ा सा डालेंगे ओरेगानो, इसका बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। थोड़ी सी डालेंगे बेजिल लीव्स, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, अभी मैं बना रहा हूँ उसमें से उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा है। मेरे पास में है टोमेटो प्यूरी, आप चाहें
तो फ्रेश टमेटो यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्रेश टमेटोज और प्यूरी को मिक्स करके ये पेस्ट बनाया है। साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी। साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ड्राई चिलीज जो हैं उनको पीसी भी होती है, उसका बनता है चिली फ्लेक्स। और सारे इंग्रेडिएंट्स इस सॉस के साथ में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। साथ में डालूंगा थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा डालूंगा पेपरिका पाउडर, और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश टमेटोज। आप चाहें तो फ्रेश टमेटोज जो हैं उसका स्किन निकाल लें आप। उसका प्रोसेस जो है वो है, टमेटोज को गर्म पानी में आप एक जरा सा स्लेट मारें इस तरीके से और गर्म पानी में छोड़ दीजिए। फुल टमेटो को इस तरीके से आप ऐसे कट लगा दें प्लस, और गर्म पानी में इसे डाल दीजिए। जैसे ही आप 5-4 सेकंड्स के लिए इसे डालेंगे तो ये स्किन अपने आप निकल जाएगी और आप इसका स्किन निकाल सकते हैं। लेकिन टमाटर बहुत अच्छा स्वादिष्ट टमाटर हो, बिल्कुल रेड कलर का हो, तो आप इसे इस तरीके से डाल सकते हैं। अब हम ले लेंगे पास्ता। आप देखें खूबसूरत पास्ता जो है, जिसे हम फारफिले बोलते हैं, बो पास्ता बोलते हैं, इसकी जो शेप है वो बो वाली शेप है। इसमें आप ऑलिव्स डाल सकते हैं और तरीके के इंग्रेडिएंट्स, चुकिनी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, बेहद खूबसूरत पास्ता। सॉस के साथ में इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। टाइम है इसे सर्व करने का, तो मैं इसे अब सर्व कर रहा हूं। मैंने फुसली पास्ता जो कि बहुत फेमस है इसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से, इसकी शेप की वजह से, और थोड़ा सा हार्ड पास्ता भी इसे कहते हैं, जो पास्ता की जो वैरायटीज़ है उसमें से सबसे हार्ड यदि कोई पास्ता है तो ये पेने पास्ता ही है। साथ में मैंने गार्लिक ब्रेड जो है वो तैयार कर रखी थी पहले से ही, तो ये थी मेरी आज की रेसिपीज़। पहले बनाई मैंने चिली पोटैटोस विद मशरूम, दूसरी बनाई मैंने वो पास्ता जो बनाया है वो है अरबियता के साथ। इसके यदि आप इंग्रेडिएंट्स लिखना भूल गए हैं तो प्लीज नोट डाउन कीजिए। आवश्यक सामग्री: मशरूम, पास्ता, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, तेल, विनेगर, केचप, नमक, लाल मिर्च, ऑरिगेनो, बटर, कॉर्नफ्लावर। मशरूम चिली पोटैटो, पैन में तेल गर्म करें, आलू, लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च, मशरूम, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को काट लें। एक बाउल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, तेल, नमक, लाल मिर्च और पानी डालकर मिला लें। फिर आलू और मशरूम को इस घोल में डीप करके फ्राई कर लें।
इसके बाद तेल में लहसुन, अदरक, प्याज और बाकी की सभी सब्जियां मिला दें। इसके बाद इसमें लाल मिर्च, नमक, केचप, विनेगर डालकर पकाएं। फिर इसमें फ्राई किए हुए आलू और मशरूम डालकर पकाएं और गर्मा गर्म परोसें। वो पास्ता। पास्ता को उबाल लें। पैन में बटर और तेल गर्म करें। फिर इसमें लहसुन, प्याज, मशरूम और शिमला मिर्च काट कर डालें। इसके बाद इसमें ओरिगेनो, केचप, नमक और लाल मिर्च डालें और फिर इसमें टमाटर और वो पास्ता डालकर पकाएं और गर्मा गर्म परोसे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगली बार फिर मिलता हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।